हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 8 के नन्हे मुन्ने बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसे आपको पता है कि गणित विषय में हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि उसमें हम लोगों ने किस तरीके से वर्ग निकालना सीखा और हमने किस तरीके से वर्ग निकालने की जो विधियां थी, जिसमें से पहली विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे सीखा, फिर भाग विधि से सीखा। आज हम लोग वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल वाली संख्याओं का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों चले स्टूडेंट्स, पहले हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना सीखना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कई सारी संख्याएं लिख रखी हैं अलग अलग तरीके की। अब आप देख रहे हो ये 3 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है और ये आपके 6 अंकों की संख्या है। तो कोई भी संख्या दी जाए और बिना वर्गमूल निकाले, देखिए अब जब हम वर्गमूल निकाल के कोई भी संख्या का वर्ग के अंकों की संख्या तो आसानी से बता ही देंगे, लेकिन बिना वर्गमूल निकालें आपसे कहा जाए कि जो दी गई संख्या है इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दी जाए, जो भी 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कोई भी, उसमें हम लोग इकाई के अंक की ओर से, इकाई का अंक कौन सा होता है, यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कोई भी है, ऐसे ही हम लोग शुरू करते हैं। तो इकाई की ओर से हम लोग क्या करेंगे, जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो पहला जोड़ा, जोड़ा हमेशा 2 अंकों से लेकर बनता है और जब लास्ट में जितने भी बचे, 1 बचता है तो ठीक है, 2 बचते तब भी ठीक है, तो 1 बचा है, दूसरा जोड़ा। तो हमने क्या देखा कि दी गई संख्या में 2 जोड़े बने, यानी कि जो पड़ी रेखाओं की संख्या हुई वो 2 हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि अतः दी गई संख्या क्या है हमारी, 256 के वर्गमूल के, सॉरी, में अंकों की संख्या दो है। क्यों दो है, क्योंकि जितनी संख्या, जो भी दी गई संख्या है उसमें जोड़े बनने पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ कितने जोड़े बने, 2। तो इस प्रकार वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो गई, 2। अब हम दूसरी संख्या यदि लें तो इकाई की तरफ से जोड़े बना लें, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें 2 जोड़े बने दी गई संख्याओं में, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या इसमें भी क्या हो जाएगी, 2। तो आप इसी प्रकार से लिख देंगे, अतः 1225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 है। अब हमने नेक्स्ट संख्या ले ली, फिर से वही हमने इकाई की तरफ से जोड़े बनाने शुरू करे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बना तो कोई बात नहीं, ये तीसरा जोड़ा माना जाएगा। तो इस तरीके से दी गई संख्याओं में, दी गई संख्या में जो पड़ी रेखाओं की संख्या, जो पड़ी हुई रेखा, मतलब पहली पड़ी संख्या बड़ी रेखा, दूसरी पड़ी रेखा, तीसरी पड़ी रेखा, या हम कह सकते हैं दी गई संख्या में जोड़े कितने बने, 3। तो हम कहेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 है। अब इसमें आप देखेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या, अब आप बताइए कितने जोड़े बने, 3। इसलिए दी गई संख्या में वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी, 3। तो कहने का मतलब है जोड़े पूरे पूरे बन गए, वेल एंड गुड है, नहीं भी लास्ट में जो भी बच जाता है वो भी जोड़े में काउंट होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो दी गई संख्या है 3 जरूर है अंकों में, लेकिन जोड़े 2 बने, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। तो यहाँ पर हम आपको एक्सरसाइज 2D देते हैं, इसी तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। 2D में टोटल क्वेश्चंस आपके 5 हैं, लेकिन आपका पहला क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से दिया जाए कि दी गई संख्या ये है 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन है 3। तो आप कैसे बताओगे, तो इस तरीके के जब सवाल दिए जाएंगे तो जैसे भी आपको समझाया गया है कि आप सबसे पहले दी गई संख्या लिख लीजिए, दी गई संख्या क्या है, 1809025।
अब इकाई के अंक की तरफ से आप जोड़े बना लेंगे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, लास्ट में जो बचे वो भी जोड़े में आ गया। तो देखा पड़ी हुई रेखाएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, यानी टोटल जोड़े कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरीके से आप कहोगे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, 4 वाला ठीक हो जाएगा। तो इस पर टिक लगा लेंगे और आंसर में लिख लेंगे अतः विकल्प थर्ड, थर्ड का मतलब आंसर क्या हो गया, 4 सही है। तो बच्चों जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये वाली एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ लग गई होगी, तो आपको मैं इसी उम्मीद के साथ एक्सरसाइज 2D देते हुए चलती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अभी तुरंत मिलूंगी, तब तक के लिए बच्चों ओके बाय, थैंक यू।